नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी नरम क्या पड़ी, लोग जो है आप देख रहे होंगे कि हिल स्टेशंस पे कैसे उमड़ रहे हैं और ना तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। और ये स्थिति बहुत ही भयावह है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो वार्निंग दे चुके हैं कि अगस्त में जो है थर्ड वेव आ सकती है, जिसका पीक सितंबर अक्टूबर होगा। इस बीच वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। 3 वैक्सीन इस समय देश में लग रही है, वो है कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और तीसरी है रशियन जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी। लेकिन अभी तक जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है वो है कोवैक्सीन, जो कि हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक बनाती है और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से ये डेवलप हुआ था। इस देसी वैक्सीन को लेकर के देश में और विदेश में भी काफ़ी राजनीति हुई, देश में ज़्यादा हुई, और अभी तक कोवैक्सीन को WHO ने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। और पिछले दिनों ये बयान आया था कि उसे कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी है, वो पूरा उसको डेटा सबमिट करना है, वो करेगा, तब हम इस पर विचार करेंगे। इसको लेकर के दिक्कत ये हो रही थी कि जो 2 वैक्सीन थी कोविशील्ड कोवैक्सीन, जब तक WHO के या और देशों के लिस्ट में शामिल नहीं होंगे तब तक जो इस वैक्सीन को लगवा करके बाहर जाते थे तो उनको दिक्कत होती थी, फिर उनको क्वारंटीन होने की नौबत आ जाती थी। अब WHO ने एक गावी संगठन बनाया। गावी क्या है? गावी ये है कि जो गरीब और मध्यम आय वर्ग वाले देश हैं उनको ये वैक्सीन कैसे मिले। WHO के पहल पर इसे बनाया गया है। तो फिर क्या किया गया कि प्राइवेट पब्लिक हेल्थ पार्टनरशिप है ये ग्लोबल, इसमें और देश मदद करते हैं, इस पूल में जो है वैक्सीन दिया जाता है, फिर गरीब देशों तक पहुंचाया जाता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान को इसी गाड़ी के थ्रू जो है भारत की वैक्सीन मिली थी। तो उसने वेबसाइट पे एक आर्टिकल प्रकाशित किया है जिसमें कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल को बहुत ही बेहतर बताया गया है। सौम्या स्वामीनाथन चीफ साइंटिस्ट हैं WHO के, उन्होंने माना है कि रिजल्ट बहुत अच्छा है और हम जो है इसकी औपचारिकताएं और जो भी इन्होंने डेटा दिया है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जब चीफ साइंटिस्ट तारीफ कर रही हैं कि अगले एक आध महीने में उसको अप्रूवल मिल जाएगा। आपको याद दिला दें कि इसके पहले भारत बायोटेक ने अपना रिजल्ट जारी किया था जिसमें बताया था कि 77.8 इसकी एफिकेसी है सामान्य कोरोना मामलों में, और जो डेल्टा वेरिएंट आया जो सबसे खतरनाक माना जा रहा है उसके मामले में 65% के आसपास इसकी एफिकेसी है, यानी इतना ये कारगर है। तो जो सौम्या स्वामीनाथन है उन्होंने भी माना है कि डेल्टा पे ये कम कारगर है लेकिन कारगर है और वैक्सीन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो ये भारत के लिए अच्छी बात और गर्व की बात इसलिए कि ये पूर्णतया स्वदेशी है, भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर के इसे विकसित किया है। और अब जब गावी अपने वेबसाइट पे इस आर्टिकल में मान रहा है इस चीज़ को, तो अब दुनिया को बताने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि भारत की ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा कारगर है। हालांकि कुछ देशों ने अभी भी इसको लेकर के नाक बहुत सिकोड़ते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं उन्होंने किस तरीके से इवन कोविशील्ड को लेकर के ऑब्जेक्शन लगा दिया था, तब भारत ने उसमें सख्त रुख अपनाया था कि यदि आपके नागरिक यहाँ आएंगे हम भी क्वारंटीन करेंगे बेशक आपके यहाँ से वो वैक्सीन लगवा करके आए, तब जाकर के कुछ देशों ने मान्यता दी। तो कुछ इनकी अपनी पॉलिटिक्स भी होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि कोवैक्सीन है कारगर कोरोना पे भी और डेल्टा वेरियंट पे भी। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।